दोस्तों, हमने पिछली रिपोर्ट में आपको बताया था ना कि अर्नब गोस्वामी बहुत ही जल्द सुशांत सिंह राजपूत केस में अपनी दहाड़ लगाने के लिए लौट रहे हैं और साथ ही साथ वो बहुत जल्द सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन भी करने जा रहे हैं, जिससे सीबीआई को सुशांत के केस में बहुत से क्लू मिलेंगे और सुशांत का केस एक नई और सही दिशा की ओर बढ़ेगा। आपको बता दें कि कल रात को रिपब्लिक टीवी में डिबेट के समय फिर से अर्नब गोस्वामी अपने पुराने रूप में दिखे। बड़ी हैरानी और बेहद खुशी हुई ये देखकर कि अर्नब गोस्वामी ने देश की रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी से सुशांत को लेकर कड़े और तीखे सवाल पूछे। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि जब सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा बहुत ज्यादा उठ रहा था, तब बीजेपी की लीडर्स मेरे शो पर आते थे और हर दिन आते थे, लेकिन आज जब उनसे सुशांत के केस को लेकर मैंने डिबेट करने को कहा तो उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया। और तो और, अर्नब गोस्वामी ने ये भी कहा दोस्तों कि उस वक्त ये सारे बीजेपी लीडर्स मुझसे वादा कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय जस्टिस जरूर मिलेगा, लेकिन ये सभी लोग आज की डेट में कहाँ हैं। अर्नब ने एक तरह से सीधे कहा कि बाकी सारे मुद्दे जाएं तेल लेने, आज मुझे ये नहीं जानना कि रॉबर्ट वाड्रा ने क्या किया, उसने कितना घोटाला किया, बल्कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए जिन भाजपा नेताओं ने मेरे शो पर आकर मुझसे वादा किया था कि सुशांत को न्याय जरूर मिलेगा, आज की डेट में आखिरकार वो सारे के सारे लोग कहाँ गए? क्यों चुप हैं ये सारे लोग? या फिर वो सिर्फ झूठे वादे थे इलेक्शन के टाइम पर वोट कमाने के लिए? क्या वो सिर्फ राजनीति थी? अर्नब गोस्वामी ने कहा, मेरा ये सीधा प्रश्न भाजपा के उन नेताओं से है जिन्होंने सुशांत के लिए मुझसे वादे किए थे। जहाँ तक हमारी राय है दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से अर्नब सर या किसी भी रिपब्लिक टीवी के मेंबर के पास जाता है, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि अर्नब गोस्वामी और उनके न्यूज चैनल यानी रिपब्लिक टीवी की ओर आज पूरा देश नम आंखों से और भरोसे भरी निगाहों से देख रहा है। आप ऐसे ही सुशांत के मुद्दे पर जान फूंकते रहें, हम सब एसएसआरियंस आपके साथ हैं। तो अर्नब सर का हौसला बढ़ाने के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और हमारी ताकत बनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। इस पूरे मुद्दे पर कमेंट कर अपने विचार भी जरूर बताएं। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, ये खबर शुरू करने से पहले हम आप सबको पीएम मोदी का वो ट्वीट याद दिलाना चाहते हैं जो उन्होंने सुशांत के जाने के बाद 14 जून को किया था। इसमें पीएम मोदी लिखते हैं, सुशांत सिंह राजपूत, अ ब्राइट यंग एक्टर गॉन टू सून, ही एक्सेल्ड ऑन टीवी एंड इन फिल्म्स, हिज राइज इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट इंस्पायर्ड मैनी एंड ही लिव्स बिहाइंड सेवरेबल मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस, शॉक्ड बाय हिज पासिंग अवे, माई थॉट्स आर विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, ओम शांति। सुशांत के नाम का, सुशांत के मुद्दे का सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस तरह से फायदा उठाया, आपको शायद ये भी पता होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के लिए आज लगभग 9 महीने बाद भी लोग न्याय मांग रहे हैं, लोग सड़कों पर जाकर खड़े हैं, आपको शायद ये भी पता होना चाहिए। और तो और, सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर सिर्फ हम भारतीयों की ही नहीं, फॉरेनर्स की भी नजर है मोदी जी। आखिर कब तक आप इन आवाजों को इग्नोर करेंगे मोदी जी? कब तक? देश के बच्चे बच्चे को पता है कि 13 जून की रात सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था। आपको क्या लगता है, क्या हमें नहीं मालूम कि सीबीआई सब जानती है? देश का पुलिस डिपार्टमेंट सब जानता है, देश के प्रधानमंत्री जी यानी आप सब जानते हैं। मोदी जी, अगर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ और पूर्ण इंसाफ नहीं मिला, तो देश की न्यायपालिका से, भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश के करोड़ों नागरिकों का विश्वास टूट जाएगा। ऐसी नाइंसाफी को बढ़ावा ना दें। और हम मांगे क्या रहे हैं? सुशांत के लिए सिर्फ इंसाफ, जो हर एक इंसान का, हर एक भारतीय का अधिकार है। तो प्लीज हमें सुशांत के लिए इंसाफ दिलवा दें। हम सब करोड़ों भारतीय, करोड़ों एसएसआरियंस हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि अब इस मामले में आप दखल दें और हमें सुशांत के लिए न्याय दिलवा दें। दोस्तों, आप भी कमेंट कर पीएम मोदी से रिक्वेस्ट करें और इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि हमारी आवाज और बुलंद हो सके। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, फेक टीआरपी केस में ईडी ने इंडिया टुडे से पूछताछ करना शुरू कर दिया है, तो फिर सच्चाई अब बाहर आने लगी है। असली चैट तो इंडिया टुडे और बार्क के ऑफिशियल्स के बीच की थी, जिसको तो दिखाया ही नहीं गया। सिर्फ अर्नब गोस्वामी के चैट्स वायरल किए गए, जिसका मकसद था
सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी की इमेज को खराब करना। चैट्स पर चैट्स की प्रिंट निकालकर अर्नब के खिलाफ चार्जशीट में मुंबई पुलिस ने ऐड किया, जिसमें मैक्सिमम बातें पर्सनल थी दोस्तों। कोई टीआरपी वगैरह से रिलेटेड चैट मिली ही नहीं, वरना उसको भी वायरल कर दिया जाता। और जिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने टीआरपी रॉ डेटा की एनालिसिस की है, अब उस पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि उनका पुराना रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है। ईडी के टीआरपी केस में एंटर करने के बाद अब लोगों को भी समझ आ गया है कि हर चीज सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी से बदला लेने के लिए की जा रही है और उनकी इमेज को खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपने तो देख ही लिया है कि लिबरल्स कैसे उछल उछल कर उनके पीछे पड़े हुए हैं, पर कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। महाराष्ट्र सरकार की इमेज ठीक नहीं होने जा रही। जिस तरह से उन्होंने पालघर और एसएसआर केस में लीपापोती की है, उससे लोग समझ गए हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। हो सकता है अर्नब ने कुछ गलत भी किया होगा दोस्तों, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने काफी अच्छे काम भी किए होंगे, पर जहां लोगों को उम्मीद थी सरकार ने वहां ठीक काम नहीं किया और अर्नब ने सच्चाई का साथ दिया। अर्नब को अरेस्ट करने के लिए साम दाम दंड भेद सारी नीति सोनिया सेना अपना ले, फिर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारा देश समझ चुका है कि कौन सही है और कौन गलत। और जिस तरह से हाथ पैर मारे जा रहे हैं अर्नब के मुद्दे को तूल देने के लिए, उससे सब कुछ साफ होता जा रहा है। कोई भी अर्नब का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अर्नब के साथ पूरा देश खड़ा है, देश से सपोर्ट है उसे। और हमारी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो चापलूसी की हद पार कर रहे हैं, कुछ तो शर्म कर लो। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, अगर आप किसी सरकारी जमीन पर कुछ बना लें तो आप पर केस हो जाएगा और जेल भी जाना पड़ सकता है। पर अगर सरकार का कोई मंत्री सरकारी जमीन पर अपना घर बनाए तो फिर क्या हो, कौन करेगा उससे सवाल? बीजेपी के नेता किरीट सोमैया इस पर लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक नई जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे का एक बंगला फॉरेस्ट लैंड में बना हुआ है, जो कि अलीबाग के कोरलाई में है। किरीट सोमैया ने लिखा है कि मैं आशा करता हूँ कि अन्वय नायक और उद्धव ठाकरे ने इसके लिए परमिशन ली होगी। आपको बता दें कि किरीट सोमैया ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं, उसमें अन्वय नायक का नाम है, जिनका बिजनेस लिंक ठाकरे फैमिली से जुड़ा है। अन्वय नायक आपको याद है ना, वही जिसके आत्महत्या केस में अर्नब गोस्वामी की पुरानी फाइल खोलकर उन्हें जेल भेजा गया था। हमें तो अब अन्वय नायक की आत्महत्या भी एक मिस्ट्री बनती नजर आ रही है। जब से किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र में करप्शन को एक्सपोज करना शुरू किया है, तब से उन्हें लोग इसका सबूत भी भेज रहे हैं। एक दिन पहले ही किसी अननोन पर्सन ने उन्हें स्कैम से रिलेटेड 25,000 डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। अब देखते हैं इसमें और किस किस का नाम आता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।